नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। एक बहुत लंबे अंतराल के बाद में मेट्रो का जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। काफ़ी मेरे व्यूवर्स डिमांड कर रहे थे कि मेट्रो का अपडेट दीजिए, लेकिन कुछ लगातार ऐसी उलझनें चल रही हैं कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। फाइनली आज मैंने वीडियो बना लिया है और मैंने रोबोट चौराहे से लेकर MR10 तक ब्रिज तक क्या क्या काम हुआ है मैंने उसका एक पूरा रिव्यू किया है। दोस्तों, पहले जैसी ही स्थिति है। लॉन्चर जो है वो MR10 ब्रिज से आगे बढ़ा है थोड़ा सा मौर्य प्रतिमा की तरफ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आज जो हमें जो आज का रिव्यू है वो हम लोग रोबोट चौराहे से चालू करेंगे और रोबोट चौराहे से हम लोग MR10 ब्रिज तक ये हम लोग आएंगे। लगभग 100 पिलर के आसपास लगभग तैयार हो गए हैं दोस्तों, और बस 100 नहीं बल्कि 110 से ज़्यादा पिलर बन के तैयार हो गए हैं। जिन जिन हिस्सों में इक्का दुक्का जो पिलर जो बचे थे वहाँ पर अब पिलर बनाने या उनकी पियर कैप बनाने का काम हो रहा है। कहीं लॉन्चर जो है जो अपने सेकंड जो लॉन्चर जो रेडिसन से विजयनगर के बीच में जो लगाया गया था वो भी अब लगभग फिट हो गया है और सेगमेंट लॉन्चिंग भी अब वहाँ से चालू हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा मुझे ज़रूर कि आज का ये आपको अपडेट कैसा लगा। और नेक्स्ट जो मेट्रो का जो अपने जो अपडेट है वो मैं सुपर कॉरिडोर को दूंगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अभी तो दिखाई नहीं दे रही। सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी है वो MR10 ब्रिज से लेकर रोबोट तक की है। तो दोस्तों अभी यही इसी हिस्से में सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। यहाँ पे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, जो मेट्रो के जो वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो मुझे सबसे अच्छी जगह मुझे MR10 ब्रिज लगती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस है, खूब यहाँ पे जगह है और शांति भी रहती है, तो एक वीडियो बनाने में बहुत काफ़ी सहूलियत होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये दोस्तों मैं आपको रेडिसन स्क्वायर के पास का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, और फिलहाल मैं खड़ा हूँ पूर्वी रिंग रोड पे, यानी ये जो रास्ता है ये सीधे बंगाली चौराहे की तरफ जा रहा है। और ये आगे जो आप देख सकते हैं ये है रोबोट चौराहा। तो यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल मेट्रो स्टेशन का काम जोरों पे चल रहा है, और लेकिन अभी दिलीप बिल्डकॉन की जो एक्टिविटीज़ है वो इस वाले हिस्से में बहुत कम है, यानी रेडिसन चौराहे से रोबोट चौराहे के बीच में। आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन के लिए पिलर वगैरह बना दिए गए हैं, कुछ में कॉन्क्रीटिंग भी हो गई है। ये आप दोस्तों देख रहे हैं, ये सामने जो आपको ऊंची बिल्डिंग दिख रही है ये रेडिसन होटल है। तो रेडिसन चौराहे से लेके विजयनगर के बीच का मैं आपको ये आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए लॉन्चर यहाँ पर पूरा कास्ट हो गया, ये लॉन्चर पूरा चढ़ गया है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पहला लॉन्चर जो लगा था ऑरेंज कलर का, उससे 3 से 4 गुना वजनी ये जब लॉन्चर है, और इसको स्थापित करने में भी बहुत टाइम लगा। ऊपर लेबर चढ़ी हुई है यहाँ पे, ये अब सेगमेंट लॉन्चिंग का अभी हालांकि अभी तो काम चालू नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसका काम जो है सेगमेंट लॉन्चिंग का विजयनगर चौराहे से रेडिसन के बीच में चालू होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इसकी लेंथ, कितनी लंबी है। ये दोस्तों मैं आपको विजयनगर से रेडिसन चौराहा के बीच का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। पिलर मैक्सिमम बन के तैयार हो गए हैं, और अब इसमें पिलर कैप जो है वो चढ़ने का काम अब चालू हो रहा है। आप देख सकते हैं लेबर खड़ी हुई है, और जो GSS है ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम के ज़रिए ये पूरी जो अपने पियर कैप है वो अब कास्ट की जाएंगी। देखिए यहाँ भी ये वाले पिलर में भी 3 से 4 लेबर यहाँ पर काम कर रही हैं। ये दोस्तों विजयनगर चौराहे से सयाजी तिराहा के बीच की स्थिति है। यहाँ पे अभी बहुत ही कम पिलर बने हैं, बैरिकेडिंग जरूर लगी हुई है, कैंप ऑफिस बना हुआ है, लेकिन पिलर बनाने का काम है वो सयाजी तिराहे से हीरानगर और MR10 के बीच में ज़्यादा हो रहा है। ये दोस्तों सयाजी तिराहे से मेघदूत के बीच का आप जो ये है ये फुटेज देख रहे हैं। यहाँ पे भी ये पिलर बन गए हैं और कॉन्क्रीटिंग हो गई है, या जिनकी कॉन्क्रीटिंग नहीं हुई है तो उसका काम चल रहा है। आप देख सकते हैं क्रेन के जरिए GSS सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है। ये बढ़ते ट्रैफिक के मद्देनज़र दोस्तों का वहाँ पर अंदर जाके कॉरिडोर का काम दिखाना संभव नहीं हो पा रहा, चूँकि ये शाम का वक्त है और काफ़ी भीड़ है। ये क्रेन जो है वो GSS को फिट करने की
मशक्कत कर रही है। और ट्रैफिक भी, ये चूँकि काम चल रहा है तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ये ठीक मेघदूत उपवन के सामने का दृश्य देख रहे हैं दोस्तों आप। ये मेघदूत उपवन से दोस्तों बापट चौराहे के बीच का ये आपको फुटेज दिखा रहा हूँ। सरियों का जो जंजाल है वो पिलर के लिए खड़े कर दिया है। सबसे ज़्यादा लेबर दोस्तों इसी हिस्से में दिख रही है और सबसे ज़्यादा पिलर भी इसी हिस्से में बन रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे की तरफ जो है वो बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से पिलर बना दिए गए हैं। दोस्तों आप बापट चौराहे का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पे पिलर के साथ में पिलर कैप या पियर कैप भी बन के तैयार हो गई है। और ये इधर सयाजी की तरफ जा रहा है रास्ता, यहाँ के पिलर्स पे अभी ये कैप नहीं बन पाई। उम्मीद करना चाहिए कि जुलाई में ये जो काम है यहाँ पे पूरा हो जाएगा पियर कैप डालने का। ये दोस्तों मैं आपको हीरा नगर चौराहे से बापट चौराहे के बीच का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं पाइलिंग मशीन खड़ी हुई है जो कि पिलर के लिए पाइलिंग कर रही है और ये पिलर बन के तैयार है। इसके यही जो हिस्सा है यहीं पे मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आने की उम्मीद है। और बहुत ही जल्द मुझे लगता है जुलाई या अगस्त में यहाँ पे सेगमेंट लॉन्चिंग भी होते हुए दिखाई देगी। ये दोस्तों हीरा नगर से मौर्य प्रतिमा के बीच में मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो पिलर बन के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं पिलर के ऊपर पियर कैप भी डल गई है। ये अभी हम जिस पिलर को देख रहे हैं ये P56 है और आप देख सकते हैं बहुत जल्दी यहाँ पे अब सेगमेंट लॉन्चिंग का जो काम है वो यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। और जिन जिन पिलर्स पर पियर कैप नहीं बन पाई है वहाँ पर पियर कैप बनाने की तैयारी भी हो रही है। ये दोस्तों हीरा नगर से मौर्य प्रतिमा के बीच में जो ये ट्रैफिक डाइवर्शन पॉइंट है पहला, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दोनों तरफ आपको पिलर दिखाई देंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था ये जहाँ जहाँ पे मेट्रो स्टेशन आएगा वहाँ पे इस तरह की बनावट रहेगी कॉरिडोर की। ये दोस्तों MR10 का मौर्य प्रतिमा जो जंक्शन है ये वहाँ का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ भी अब GSS के सपोर्ट से ये दो पिलर जो पास किए जा रहे हैं आप देख सकते हैं। और ये जो रोटरी है जो कि हटाई गई है यहाँ पे भी लगता है पिलर बनाया जाएगा। ये सामने जो है ये मौर्य जी की प्रतिमा है। ये दोस्तों आपको मौर्य प्रतिमा की दूसरी तरफ का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये जो हिस्सा है इधर MR10 तरफ जा रहा है जो ब्रिज है, और ये जो GSS जो के सपोर्ट से जो ये पिलर बनाए जा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। क्रेन भी खड़ी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों मौर्य प्रतिमा से MR10 ब्रिज के बीच में आप देख सकते हैं ये पिलर्स के ऊपर जो है वो पियर कैप बनाने का काम जो पूरा हो गया है और अब कुछ कंक्रीट और वेल्डिंग संबंधी कुछ काम हो रहे हैं। आपको लेबर भी दिख रही होगी काम करते हुए। और पर अब ये है कि अभी फिनिशिंग स्टेज पर आ गए हैं ये वाले पिलर्स और अब यहाँ पर सीधे सेगमेंट लॉन्चिंग ही होगी। और ये कॉरिडोर जो है वो हमको चंद्रगुप्त मौर्य प्रतिमा की तरफ भी शेप लेता हुआ दिखेगा। दोस्तों सेगमेंट एक बार चढ़ गए फिर उसके बाद में काफ़ी कुछ जो है वो लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से कैसे कहां से कॉरिडोर गुजरे। ये दोस्तों लॉन्चर है ये आप देख सकते हैं, जो मैंने लास्ट लोकेशन जो उसकी दिखाई थी ये MR10 ब्रिज के करीब था और अब धीरे धीरे ये सेगमेंट लॉन्च करता हुआ MR10 ब्रिज से चंद्रगुप्त मौर्य प्रतिमा की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आगे के भी जो ज़्यादा पिलर्स हैं वो सब बन के तैयार हैं इस तरफ के, तो अब इससे ये बिल्कुल आगे सेगमेंट लॉन्चिंग का भी जो काम है वो आगे हो रहा है। आप देख सकते हैं एक जो सेगमेंट है जो सबसे आगे लगा हुआ है वो अभी पूरी तरह फिट नहीं हुआ है,
लेकिन ये कुछ दिन में हो जाएगा फिट। और फिर ये बड़े पिलर जो कि ड्यूल पिलर, ये अपने पिलर का जो ये है, ये वाले पार्ट तक यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों ये पहला लॉन्चर है जो कि यहाँ पे इंदौर में लाया गया था। दूसरा लॉन्चर जो है वो वहाँ रेडिसन स्क्वायर से लेके विजयनगर के बीच में लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों मैं लॉन्चर के मैं ठीक दूसरी तरफ का भी मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सेगमेंट लॉन्च होते होते अब ये जो ये कृष्णपुरा के वहाँ से जो खान नदी आती है, ये खान नदी को भी अभी ये क्रॉस कर गया है। ये आप देख सकते हैं ये पूरा राउंड शेप में, और इधर MR10 ब्रिज है सामने। तो ये दूसरी तरफ से भी ये मैंने आपको दृश्य मैंने आपको दिखाया है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये RVNL जो द्वारा जो बनाया जा रहा मेट्रो का जो मेट्रो स्टेशन है जो ISBT से लगा हुआ, वहाँ का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये पिलर बिल्कुल ऊपर तक निकल आए हैं, और अब जल्दी यहाँ पे जो हमको स्टेशन बिल्डिंग है वहाँ का काम होते हुए दिखाई ये अपने देगा। ये पहला मेट्रो स्टेशन है जिसका अपने निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले यही मेट्रो स्टेशन दोस्तों बन के तैयार होगा। आगे जो ब्रिज की तरफ है वहाँ पर सेगमेंट लॉन्चिंग में कोई ज़्यादा प्रोग्रेस तो नहीं दिख रही है, और GSS सिस्टम भी अभी वहाँ पर नहीं लगा है। मैं आपको और करीब से भी मैं आपको दृश्य दिखाऊँगा उसके।